3, 2, 1. हम अपनी इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है पोयम। पोयम नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिस्क। ये पोयम जेनेट रेंट के द्वारा कंपोज की गई है या लिखी गई है। हम इसकी शुरुआत अब करने जा रहे हैं। आज हम रिवाइज सिलेबस के अनुसार एक पोयम जो हमारे सिलेबस में रिस्क, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। रिस्क हमारी फर्स्ट पोयम है, जिसका हिंदी में मतलब होता है जोखिम, जिसका हिंदी में मतलब होता है जोखिम या खतरा। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हर इंसान को जोखिम उठाना ही होता है। यही बात हमारे राइटर, इस जो पोयम के राइटर हैं, जेनेट रेंट, हमें कहना चाहती है। अब हम बेसिक जानकारी इस पोयम के बारे में लेते हैं। सबसे पहले किसी भी पोयम को पढ़ने से पहले उनके राइटर जो हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस रिस्क पोयम के जो राइटर हैं उनका नाम है जेनेट रेंट, जो एक फॉरेन की राइटर हैं, भारतीय राइटर नहीं है, लेखिका नहीं है। जेनेट रेंट वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 6, 1923। जेनेट रेंट का जन्म 6 सितंबर 1923 को हुआ था। शी डाइड इन अप्रैल 1987 एट 63 ईयर्स ओल्ड। उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी, जब वो 63 साल की थी। जेनेट रेंट हैड बीन रिसाइडिंग इन आउट ऑफ इंडिया। रिसाइडिंग का मतलब होता है रहना। जेनेट रेंट जो है वो भारत से बाहर रहती थी। शी हैड कंपोज्ड मोटिवेशनल पोयम रिस्क। उन्होंने एक प्रेरणादायक पोयम जो है रिस्क, उसको लिखा है, जो हमारे सिलेबस में है, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोयम की, इस कविता की। इसके बारे में जेनेट रेंट कहती हैं, रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोयम। रिस्क एक प्रेरणादायक पोयम है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। द पॉइंट गिव्स अ मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग टू टेक रिस्क। इसमें कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि हर ह्यूमन बींग को, हर मानव को या हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना ही होता है। अगर वो रिस्क नहीं लेता तो वो किसी भी चीज़ को या सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इट दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग। अचीव का मतलब होता है हासिल करना या प्राप्त करना। प्राप्त करना। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। जेनेट रेंट कहती है कि जिंदगी में बिना रिस्क लिए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं सीख सकते। हर व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए अपने जीवन में हर स्तर पे रिस्क को लेना ही होता है। अब हम पोयम के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। रिस्क पोयम, जिसका हिंदी का मतलब होता है जोखिम, जो अभी मैंने बताया। अब हम फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, इसमें राइटर हमें क्या कहना चाहते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। अपियरिंग का मतलब यहाँ पे होता है प्रदर्शित करना। अपियरिंग का मतलब होता है प्रदर्शित होना या शो होना। यहाँ पर राइटर हमें बताते हैं कि किसी के सामने हंसने में भी रिस्क है। मतलब जब हम किसी के सामने हंसते हैं तो सामने वाला हमें देखकर पागल या मूर्ख भी कह सकता है या समझ सकता है। तो हंसने में भी एक रिस्क है, ऐसा हमारे राइटर हमें कहना चाहते हैं। दूसरी लाइन में वो कहते हैं, टू वीप, वीप मतलब रोना, इज टू रिस्क अपियरिंग द सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक हो जाना। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है, उसे भावुक कहा जाता है। तो सेकेंड लाइन में जेनेट रेंट कहते हैं, टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग द सेंटिमेंटल। किसी के सामने ज़्यादा रोना भी एक रिस्क है, क्योंकि ज़्यादा रोने पर लोग हमें भावुक समझने लगते हैं। थर्ड लाइन, टू रीच आउट। रीच आउट का मतलब होता है पहुँचना या जाना। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू टेस्ट टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या किसी के बीच में दखल अंदाजी करना। तो जब हम किसी की मदद करने के लिए पहुंचते हैं या जाते हैं, तो सामने वाला बंदा ये समझ सकता है कि हम उसके बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं या फिर हम उसके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बिना बुलाए अगर हम किसी की मदद करने जाते हैं तो सामने वाले को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसमें भी रिस्क है, ऐसा राइटर हमें कहना चाहते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग। एक्सपोज फीलिंग का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या फिर
साझा करना या बांटना। जब हम अपने मन के विचारों को, अपनी फीलिंग्स को या अपनी इच्छाओं को जब किसी के सामने शो करते हैं, एक्सपोज करते हैं, बताते हैं, तो इसमें भी रिस्क है, क्योंकि वो व्यक्ति हमें सही समझे या गलत, या हमारा मजाक बनाए, इस चीज़ में भी एक रिस्क है। इसलिए हम अपनी फीलिंग्स को भी किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद राइटर कहते हैं टू प्लेस, प्लेस मतलब होता है रखना, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड। क्राउड का मतलब बच्चों होता है भीड़, लोगों का जो झुंड होता है जिसको हम भीड़ कहते हैं उसे क्राउड कहा जाता है। इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, नेव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नौसिखिया होता है, या हम कह सकते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जो नया नया होता है, जिसे पता नहीं होता। तो राइटर बताते हैं कि जब हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को किसी भीड़ के सामने या किसी व्यक्ति के सामने बताते हैं, उसमें भी रिस्क है, क्योंकि लोग हमें अनजान समझ सकते हैं, हमें एक नौसिखिया समझ सकते हैं, वो ऐसा कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अपने सपनों को भी किसी के साथ शेयर करने में भी एक रिस्क है, लोग उसे समझ ना समझ के हमारा मजाक भी बना सकते हैं। तो हर एक चीज़ में रिस्क है, ऐसा राइटर कहती है। हंसने में रिस्क है क्योंकि पागल कहलाएंगे, रोने में रिस्क है क्योंकि भावुक कहलाएंगे, अपने किसी की मदद करने में रिस्क है क्योंकि सामने वाला सोचेगा कि हम उसकी ज़िंदगी में दखलंदाजी कर रहे हैं, अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग्स को बताने में भी रिस्क है, लोग उसे समझ नहीं सकते, हमारा मजाक बना सकते हैं, अपने आइडिया, अपने सपनों को लोगों के सामने बताने में भी रिस्क है क्योंकि लोग हमारे सपनों से अनजान रहते हैं, वो हमें नेव समझेंगे, इनएक्सपीरियंस समझेंगे या नौसिखिया समझेंगे। तो हर एक चीज़ में रिस्क इंक्लूड होता है, ऐसा हमारे राइटर जेनेट रैंड हमें कहना चाहती हैं। फर्स्ट स्टेंजा ये कंप्लीट है। अब हम सेकंड स्टेंजा के बारे में पढ़ते हैं। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। राइटर बताते हैं कि किसी को प्यार करने में भी रिस्क है। जब हम किसी को लव करते हैं या किसी को प्यार करते हैं तो उसमें भी एक रिस्क है। क्या रिस्क है? हो सकता है कि सामने वाला हमें लव ना करे, तो जिसे हम प्यार करते हैं उससे हमें वापस रिटर्न लव की प्राप्ति ना हो, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो किसी को प्यार करने में भी राइटर बताते हैं रिस्क है, क्योंकि बदले में हमें उससे प्यार नहीं मिलता। उसके बाद राइटर बताते हैं टू लीव इज टू द रिस्क डाइंग। जीने में भी रिस्क है, जीने में भी रिस्क है क्योंकि मरने का डर हमेशा साथ में बना रहता है। डाइंग का मतलब होता है मृत्यु, ये का भय या डर, तो जीने में भी एक रिस्क इंक्लूड रहता है। फिर राइटर बताते हैं टू होप, होप का मतलब होता है आशा, किसी भी काम को करने की पॉजिटिव उम्मीद। टू होप इज टू द रिस्क डिस्पायर, इसका मतलब होता है निराशा, आशा रखने में भी एक रिस्क है क्योंकि आशा जब पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो किसी होप रखने में भी एक रिस्क का सामना हमें करना होता है। टू ट्राई इज टू द रिस्क द फेलियर, फेलियर का मतलब होता है असफलता, कोशिश करने में भी एक रिस्क है। जब हम किसी काम को, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो उसमें रिस्क रहता है कि हो सकता है वो हमें सक्सेस ना मिले, तो कोशिश करने में भी एक रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहती है, शामिल रहती है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, पर राइटर कहते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए, मस्ट बी टेकन, हमें ज़िंदगी में हर एक कदम पर रिस्क को उठाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड, हैज़र्ड का मतलब होता है खतरा, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा तभी बना रहता है जब हम इन द लाइफ इज टू द रिस्क नथिंग, जब हम रिस्क नहीं उठाते, जब हम रिस्क को नहीं लेते, तो जिंदगी में रिस्क नहीं लेना ही एक सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा राइटर कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेता वो किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकता है, ऐसा राइटर कहते हैं। और रिस्क पोयम में हमें ज़िंदगी में हर एक चीज़ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क पोयम बताती है कि आगे बढ़ने के लिए हमें जोखिम को और खतरों को फेस करना ही चाहिए। अब आगे हम थर्ड स्टेंजा में पढ़ते हैं कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग has nothing, is nothing and the become nothing। इसमें राइटर जेनेट रैंड हमें बताती है कि जिस इंसान ने अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया या जोखिम नहीं उठाया, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, उसे कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला। does nothing, उसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। has nothing, वो किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इज नथिंग वो कुछ भी नहीं है, एंड बिकम नथिंग वो कभी भी कुछ बन भी नहीं पाएगा। कुल मिलाकर राइटर कहना चाहते हैं कि जीवन में जिस व्यक्ति ने रिस्क को नहीं उठाया है, रिस्क नहीं लिया है, उसने अपने जीवन में कुछ भी नया नहीं सीखा है, नया नहीं प्राप्त किया है। दे मे अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज को फील नहीं करना या फिर उसको अपेक्षित करना। दे मे अवॉइड सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है दुख, एंड सोरो, सोरो का मतलब भी होता है दुख, निराशा, दुख या फिर निराशा भी कह सकते हो। राइटर बताती हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में दुख और निराशा को दूर करा है, अवॉइड किया है, बट दे कैन नॉट लर्न, पर उन्होंने कुछ भी नया नहीं सीखा है, कुछ भी नया फील नहीं किया है, उनमें कोई भी चेंज मतलब परिवर्तन नहीं आया है, वो अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ना ही उन्हें प्यार का मतलब समझ में आया है, ना ही उन्हें जीवन जीने का तरीका समझ में आया है। जिन व्यक्ति ने दुख और सोरो निराशा इन सब को दूर भगाया है, उन लोगों उन व्यक्ति ने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को खो दिया है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आते तब तक हम उनसे कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। तो जीवन में दुख और सुख आना भी ज़रूरी है, वही हमें जीवन के नए सीख सिखाता है। उसके बाद राइटर कहते हैं चेन, चेन मतलब होता है उलझ जाना, उलझे रहना, उलझ जाना या फिर अपने ही एक चारों तरफ एरिया में जकड़े रह जाना। चेन्स बाय देयर सेटिट्यूड दे आर द स्लेव, स्लेव्स का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है दास बने रहना या नौकर। ऐसे लोग अपनी आज़ादी को पूरी तरीके से खो चुके होते हैं क्योंकि वो अपने सिर्फ एक छोटे से दायरे में ही सीमित रहते हैं, वो अपने एक छोटे से सर्किल में ही रहते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है जिन्होंने रिस्क को नहीं उठाया है। दे हैव फॉरफिट देयर फ्रीडम, इसका मतलब होता है खो देना, अपनी आज़ादी को खो देना। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। वो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रिस्क को नहीं उठाया है, वो अपनी आज़ादी को पूर्ण रूप से खो चुके होते हैं और अपने ही दास बन चुके होते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता है। उसके बाद राइटर कहते हैं ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज द ट्रूली फ्री। राइटर एंड में ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में रिस्क को उठाया है सच में वही व्यक्ति कामयाब हुआ है, सक्सेस हुआ है, और वही एक सच्चा व्यक्ति है जिसने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर पूरे राइटर जो है पूरी पोएम में समराइज करते हुए एक संक्षिप्त रूप में हमें कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें रिस्क को उठाना ही होगा। जिस व्यक्ति ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क नहीं उठाया है वो अपने लाइफ में किसी भी नए मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। अब क्लास हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क पोएम के छोटे जो क्वेश्चन है उनकी तरफ हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वॉट इज सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, सफलता क्या है, इसका आंसर देखते हैं। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, करेज, करेज का मतलब यहाँ पे होता है साहस, करेज का मतलब होता है बच्चों साहस। सफलता क्या है ये क्वेश्चन है, आंसर ये है सक्सेस जो है वो साहस है, मतलब कि साहस के साथ लिया गया जो रिस्क है वो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है, उससे हमें सफलता की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हु इज ट्रूली फ्री, ट्रूली फ्री का मतलब होता है स्वतंत्रता, कौन है जिसे पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है, कौन है जिसे पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त है। आंसर अ पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से रिस्क उठाता है, जोखिमों को उठाता है अपने जीवन में, वही व्यक्ति असल रूप से स्वतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है। हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है। आंसर है अकॉर्डिंग टू पॉइंट, कवि के अनुसार द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, जीवन का सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, कवि के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा खतरा रिस्क ना लेना है। जो इंसान रिस्क नहीं लेता वही जीवन का सबसे बड़ा उसका खतरा है क्योंकि वो कुछ नया नहीं सीख पाता। अ पर्सन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क बिकम वैल्यूलेस हिमसेल्फ, इसके साथ ही राइटर कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेना अवॉइड करता है, अवॉइड करता है मतलब छोड़ देता है या फिर रिस्क को नहीं ले पाता, वो
खुद ही अपनी जिंदगी में वैल्यूलेस हो जाता है और उसे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन इज अ मैन फिल्ड विद डिस्पायर। डिस्पायर का मतलब होता है निराशा, निराशा। क्वेश्चन ये कहता है कि कब इंसान निराशा को फेस करता है या निराशा को फील करता है। आंसर है द पोइट सेज लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। राइटर कहते हैं कि जीवन जो है जोखिमों से भरा है, रिस्क से भरा है। बट लेकिन समटाइम वी फेल टू अचीव। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। कभी कभी हम जिंदगी में जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में हम फेल हो जाते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तब वी आर फिल्ड विद डिस्पेयर, तब हम निराशा को फेस करते हैं या फिर निराश हो जाते हैं। जब हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता तो हम निराशा में खो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। हम आजादी को कब इंजॉय कर सकते हैं या आजादी का आनंद कब ले सकते हैं। आंसर है अकॉर्डिंग टू पॉइंट, कवि के अनुसार फ्रीडम कैन बी इंजॉयड, आजादी वही इंजॉय कर सकता है जो ओनली बाय अ रिस्क टेकिंग मैन। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेता है वही असली आजादी को इंजॉय कर पाता है। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। वाई शुड वी टेक रिस्क, हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए, ऐसा कवि हमसे पूछते हैं। आंसर है द पोइट सेज लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। कवि कहते हैं कि जीवन जोखिमों से भरा होता है। अ पर्सन हु टेक्स रिस्क गेन्स एवरीथिंग। गेन्स का मतलब होता है अर्जित करना या प्राप्त करना। राइटर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जोखिमों को उठाता है वो बहुत कुछ नया सीख पाता है। लेकिन हु डज नॉट टेक रिस्क नॉट लर्न एनीथिंग। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जोखिमों को नहीं उठाता, हर चीज से बचता है, वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, ना ही नया कुछ सीख पाता है। इसलिए नया सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हमें अपने जीवन में हर वक्त रिस्क को उठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, वाट इज द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क। रिस्क को अवॉइड करने का इमीडिएट तत्कालीन एडवांटेज, एडवांटेज मतलब कि लाभ, मतलब रिस्क ना लेने का हमें सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा। आंसर है पीपल हु अवॉइड टेकिंग रिस्क इज एन इनएक्टिव पर्सन। ऐसे लोग जो रिस्क लेने से घबराते हैं या डरते हैं उन लोगों को इनएक्टिव कहा जाता है। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, जो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं निष्क्रिय पर्सन कहा जाता है, क्योंकि वो हर एक काम को करने के लिए रिस्क लेने से डरते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। दे मे सेव देमसेल्फ फ्रॉम सोरोज एंड सफरिंग। सोरो और सफरिंग का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ाएं। वो लोग अपने आप को दुख और दर्द पीड़ाओं से तो बचा लेते हैं रिस्क ना लेके, लेकिन बट दे कांट लर्न एनीथिंग न्यू। लेकिन वो अपने जिंदगी में कुछ भी नया सीख नहीं पाते हैं। सिर्फ उन्हें एक ही ये लाभ मिलता है कि वो दर्द और दुख पीड़ाओं से तो बच जाते हैं लेकिन जिंदगी में कुछ नया कर पाने का वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, चेन बाय देयर सैटिट्यूड एक्सप्लेन दिस फ्रेज। ये एक फ्रेज है जिस वाक्यांश को हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है। आंसर दिस फ्रेज रेफर्स टू द पीपल हु आर बाउंड बाय ओन फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी। ये फ्रेज उन लोगों के लिए कही गई है जो अपने ही एक निश्चितता के दायरे में घिरे रहते हैं, जो अपने आसपास के एक छोटे से दायरे में बंधे रहते हैं, अपनी ही फीलिंग्स में बंधे रहते हैं। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। पीपल अवॉइड रिस्क बिकॉज दे फियर दैट दे विल फेल। लोगों को एक डर हमेशा सताता है कि वह रिस्क लेंगे तो वो शायद सक्सेस ना हो, वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। इस डर की वजह से वो लोग नथिंग एंड कांट अचीव एनीथिंग। इस डर की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कुछ भी नया प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए रिस्क लेने पर ही हमें सफलता की प्राप्ति होगी, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर
9. क्वेश्चन नंबर 9. राइट द मेन थीम ऑफ दिस पोयम. ये पोयम जो है, ये कविता जो है, हमें किस चीज का मैसेज दे रही है, क्या कहना चाहती है, उसके बारे में हमें बताना है. आंसर है रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोयम. मोटिवेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक. मोटिवेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक. रिस्क एक प्रेरणादायक कविता है जो हमें प्रेरणा देती है, हमें इंस्पायर्ड करती है. इट मोटिवेट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग. ये सिर्फ हमें तुम्हें नहीं, ये सभी मानव जाति को इंस्पायर्ड करती है, सभी लोगों को बताती है कि टू टेक रिस्क इन लाइफ, कि हम सब अपने जिंदगी में जोखिमों को लें. बिकॉज विदाउट रिस्क वी कांट अचीव एनीथिंग. क्योंकि बिना रिस्क लिए हम अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते. सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव द करेज टू टेक रिस्क. करेज का मतलब होता है साहस. करेज का मतलब होता है साहस. सफलता भी उन्हीं के करीब आती है, उन्हीं लोगों को मिलती है जिनमें साहस होता है रिस्क लेने का, अपने डर को भगाने का. वही लोग आगे सक्सेस हो पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिट इमेज इन द पोयम. इस कविता के अंदर कवि ने किन अपोजिट इमेजेस, मतलब कि विषमतापूर्वक इमेजेस को बताया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. आंसर है द पॉइंट डिफाइंड रिस्क वन हैज टू फेस इन लाइफ. इस कविता में पॉइंट ने रिस्क, मतलब कि जोखिम के बारे में हमें बताया है, जिनको हर इंसान को अपने जीवन में जिन्हें फेस करना होता है, जिनका सामना करना होता है. पॉइंट टेल्स द रीजन. पॉइंट जो है, कवि हमें उसके कारण बताते हुए कहते हैं व्हाई पीपल अवॉइड रिस्क. लोग क्यों जीवन में रिस्क लेने से कतराते हैं या डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर सताता है. जैसे टू लाफ इज अपीयर. अपीयर का मतलब होता है प्रदर्शित होना. अपीयर मतलब प्रदर्शित होना. टू लाफ इज अपीयर द फूल. ज्यादा हंसने पे लोग हमें मूर्ख समझेंगे. टू वीप इज टू अपीयर द सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल मतलब कि भावुक. ज्यादा रोने पे लोग हमें भावुक समझेंगे. टू लाइव इज टू डाई. जीने पर मृत्यु का डर भी हमें सदैव सताता रहेगा. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमने देखे हैं. दे आर द सच इमेजेस. ये कुछ इमेजेस हैं जो पोइट ने हमें इस कविता के माध्यम से बताई है. बच्चों, अब हम इस चैप्टर की रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि राइटर ने हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में क्या एक्सप्लेन किया है. बुक के अकॉर्डिंग आपका पहला रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है टू लाफ से लेकर कोल्ड नेव तक, जो आपके फर्स्ट स्टैंजा से कुछ लाइनें ली गई है. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि रेफरेंस मतलब कि ये लाइनें कहाँ से ली गई है और किसके द्वारा लिखी गई है, वो उसका डिटेल हम रेफरेंस में लिखते हैं. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम रिस्क. ये पंक्तियाँ या ये कुछ लाइनें रिस्क पोयम के माध्यम से ली गई है, जो कि इट इज रिटन बाय द जेनेट रैंड. जिनको जेनेट रैंड द्वारा लिखा गया है, ये इसका रेफरेंस होता है. कॉन्टेस्ट, इसमें बताया गया है कि इन लाइनों में जेनेट रैंड ने किन चीजों को प्रस्तुत किया है या बताया है. द पॉइंट सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क. पॉइंट हमें बताते हैं कि जीवन जोखिमों से भरा रहता है. अ रिस्क इज इन्वॉल्व. इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना. इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना. पोइट कहती है अ रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी एक्टिविटी. रिस्क जो है हमारे सभी एक्टिविटी में, सभी क्रियाओं में शामिल रहता है, हंसने की, रोने की या फिर जीने की. विदाउट रिस्क पर्सन कांट लर्न एनीथिंग न्यू. बिना रिस्क लिए इंसान कुछ भी नया नहीं सीख पाता है, ऐसा पोइट कहना चाहते हैं. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें इसकी पूर्ण व्याख्या की गई है फर्स्ट स्टैंजा की. तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लाफिंग इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. पॉइंट कहती हैं कि हंसना एक साधारण सी क्रिया है, साधारण रूप से हम लोग सभी हंसते हैं. लेकिन बट द पर्सन हु लाफ्स फाइंड हिमसेल्फ फूल बाय अदर. लेकिन कई लोग जो ज़्यादा हंसना पसंद करते हैं, अगर वो ज़्यादा हंसते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा हंसने में कहीं लोग हमें फूल तो नहीं समझेंगे, कहीं लोग हमें पागल तो नहीं कहेंगे. तो ज़्यादा हंसना भी लोगों के द्वारा मूर्ख कहलाया जाने का एक संकेत देती है. अ पर्सन हु वीप्स कॉल्ड सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक.
भावुक हो जाना, ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा रोते हैं उन्हें सेंटिमेंटल भी कहा जाता है, भावुकता में जो बह जाते हैं, तो ज्यादा रोना भी भावुक होने का संदेश देती है। इफ वन गोज आउट टू हेल्प अदर्स द रिस्क इज हैविंग इट्स ओन इंटरेस्ट इन डूइंग सो। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी की मदद करने के लिए पहुंचता है, गोज मतलब जाता है, तो भी उसमें एक रिस्क है। सामने वाला ये सोच सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा उसमें हित शामिल होगा, हमारा उसमें कोई लाभ शामिल होगा, इंटरेस्ट होगा, इसलिए हम उसकी मदद करने के लिए उसके पास आए हैं। तो बिना बुलाए हम किसी की मदद करने भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमें हमारे हित के लिए सोचता है। द पोइट सेज दैट वन इज एक्सप्रेस हिज आइडियाज फीलिंग्स एंड ड्रीम्स विद अदर्स देयर इज अ रिस्क ऑफ बींग कोल्ड इन एक्सपीरियंस। लास्ट लाइनों में कवि हमें कहते हैं कि जब हम अपने आइडियाज, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स मतलब अपने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को या अपने सपनों को किसी के साथ साझा करते हैं, उन्हें बताते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं, उनको बांटते हैं, तो इसमें भी एक रिस्क भरा होता है। लोग हमें इनएक्सपीरियंस समझ सकते हैं। इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है बच्चों नेव। नेव का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे पूरा ज्ञान नहीं होता, आधा अधूरा ज्ञान होता है, जिसको हम सिंपल भाषा में अनाड़ी भी कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने कुछ आइडियाज़ को, विचार, फीलिंग्स को किसी और के सामने प्रस्तुत करता है, उसे बांटता है या शेयर करता है, उसमें भी एक रिस्क छिपा होता है कि लोग उसे अनाड़ी ना समझ लें। इस तरीके से जेनेट रैंड हमें बताते हैं कि जीवन में हंसने में, रोने में, किसी की मदद करने में या फिर अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को शेयर करने में, हर एक स्टेप पे, हर एक जगह आपको रिस्क का सामना करना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ नया सीख सकते हो। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ, जो इस प्रकार है, टू लव से लेकर रिस्क नथिंग तक। इसके अंदर सेकंड स्टैंजा में जेनेट रैंड हमें बताते हैं कि किन किन चीज़ों में रिस्क लेने से वो चीज़ें रिटर्न में हमें वापस जोखिम भरा संदेश दे सकती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेफरेंस में मैंने अभी बताया था कि ये कविता कहाँ से ली गई और किसके द्वारा लिखित है, वो रेफरेंस कहलाता है, जिसके अंदर हमने लिया है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। ये पंक्तियाँ रिस्क पोएम, रिस्क कविता में से ली गई है। कंपोज्ड मतलब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जेनेट रैंड के द्वारा। तो ये कविता जेनेट रैंड के द्वारा कंपोज्ड की गई है या लिखी गई है। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। इन दीज लाइन्स पोएट इंस्पायर्स, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करते हैं, इंस्पायर मतलब कि प्रेरित करते हैं यंग जनरेशन को या यंग पीपल को, जिसमें वो टेलिंग, वो हमें बताते हैं कि अबाउट रिस्क, रिस्क के बारे में हमें जानकारी देते हैं और बताते हैं कि रिस्क जीवन में कितना ज़रूरी है। रिस्क इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, रिस्क जो है शामिल रहता है इन एवरी एक्शन, एक्शन मतलब कार्य में, हर एक काम में रिस्क शामिल रहता है, हमें उसे मतलब पहचानना होगा या उसको लेने का जोखिम उठाना होगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। द पोइट सेज दैट टू लव समवन इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। पोइट कहती हैं कि किसी को लव, किसी को प्यार करने में भी एक रिस्क छुपा होता है, इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं, हो सकता है कि बदले में उसके द्वारा हमें वापस प्यार ना मिले। रिटर्न मतलब पुनः प्यार की प्राप्ति ना हो, जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी या निराश भी हो सकते हैं। रिस्क इज इंक्लूड टू लिव, जीने में भी रिस्क है, क्योंकि बिकॉज Who is born is sure to die. जिसका जन्म इस धरती पे हुआ है उसका मरना निश्चित ही है। तो जीने में भी एक रिस्क हमें हमेशा सताता रहता है कि ना जाने हमारी मृत्यु हमारे पास कब आ जाए। तो जीने में भी मरने का खौफ या डर हमेशा बना रहता है। Sometimes we want to achieve some things. कभी कभी हम जिंदगी में कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं, उसे पाने की उम्मीद रखते हैं, तब But we fail and filled with despair. लेकिन जब हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते, हम असफलता को प्राप्त करते हैं या फेल हो जाते हैं उस चीज़ में पाने में, तब हम despair हो जाते हैं, मतलब कि निराशा हमारे चारों तरफ छा जाती है, हम बहुत ज़्यादा निराश
हो जाते हैं। तो ट्राई करने पे भी, कोशिश करने पे भी जब हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है तो हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं। एट द एंडिंग लाइन्स पोइट सेज दैट इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो इन लाइफ रिस्क हैव टू बी टेकन। आखिरी पंक्ति में कवि हमसे कहते हैं कि व्यक्ति को अगर जीवन में ग्रो करना है, ग्रो मतलब कि विकसित होना है, परिवर्तित करना है, जीवन को चेंजेस करने हैं, तो उसे जीवन में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वन हु डज नॉट टेक रिस्क कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में रिस्क को नहीं लिया है, जोखिमों को नहीं उठाया है, वो कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाया है और ना ही उसने अपने जीवन में कुछ भी चीज़ को अचीव किया है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परिवर्तित होने के लिए, चेंजेस करने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें रिस्क को उठाना ज़रूरी है। ऐसा पॉइंट इस स्टैंजा में हमें संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों अब अपन थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं जो आपके बुक का इस पोएम का आखिरी स्टैंजा है। द पर्सन इज ट्रूली फ्री। रेफरेंस जो है वो सभी स्टैंजा में सेम ही रहती है, चाहे आप किसी भी स्टैंजा की रेफरेंस फॉलो कर लीजिए, वो आपके सेम ही रहेगी, जिसमें आपको पोएम का नाम ध्यान होना चाहिए और उसके राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस सेम ही है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क। ये पंक्तियाँ रिस्क कविता से ली गई है, इसको जेनेट रैंड के द्वारा लिखा गया है। कॉन्टेस्ट। द पॉइंट सेज लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। इस कविता में कवि ने कहा है कि जीवन जो है जोखिमों से भरा रहता है। अ पर्सन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क गेट्स नथिंग इन हिज लाइफ। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में जोखिमों को उठाने से डरते हैं या बचते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। उनका जो जीवन है पूरे तरीके से निरस हो चुका होता है, जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट अ मैन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क इज इनएक्टिव पर्सन। यहाँ पर इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय। ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कार्य नहीं करता, जो बिल्कुल सुस्त रहता है, जो आलस्य में डूबा रहता है या जिसको किसी भी काम करने की इच्छा नहीं होती, उसे निष्क्रिय कहा जाता है। तो राइटर भी यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेने से कतराता है या डरता है या जिसको रिस्क लेने का डर सताता है, उसे इनएक्टिव पर्सन कहा जाता है, क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं करना पड़ता, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। ही कांट लर्न एनीथिंग न्यू। वो कुछ भी नया नहीं सीख पाता क्योंकि उसने रिस्क को फॉलो नहीं किया। एंड अनेबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब बच्चों यहाँ होता है प्रगति, प्रगति करना या जीवन में आगे बढ़ना। वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, उसका जीवन एक सीमित दायरे में ही रहता है, वो वहीं पर रुक जाता है, वो अपने जीवन में प्रगति भी नहीं कर पाता जिसने रिस्क को नहीं लिया। द पीपल हु डोंट टेक रिस्क मे सेव देमसेल्फ फ्रॉम सोरो एंड सफरिंग। ऐसे लोग जो रिस्क लेने से कतराते हैं, डरते हैं, उन्हें एक फायदा है रिस्क ना लेने का। क्यों? क्योंकि उन्हें सोरो और सफरिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोरो का मतलब होता है दर्द, पीड़ाएं, सफरिंग, दुख, दर्द, पीड़ाएं। उन्हें एक फायदा है कि उन्हें सोरो और सफरिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। दे कांट ग्रो इन लाइफ। लेकिन उन्हें यहाँ पर नुकसान भी है कि वो अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चेंजेस नहीं ला पाएंगे। पोइट सेज दैट दोज हु डू नॉट टेक रिस्क सच पर्सन आर चेन इन सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब एक सीमित दायरे में रहना, एक निश्चितता में ही रहना। तो राइटर आखिरी पंक्तियों में हमें कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो रिस्क को लेने में असक्षम रहते हैं या सक्षम नहीं होते या जो डरते हैं रिस्क लेने में, वो व्यक्ति अपने ही एक सीमित दायरे में एक चेन, एक श्रृंखला की तरह, जैसे एक चेन होती है ना जो हमें बांधे रखती है, कहीं इधर उधर जाने नहीं देती, इसी तरह वो अपने एक सीमित दायरे में बंधे रहते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क का नॉलेज नहीं होता, वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो वो अपने ही सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब कि निश्चितता, अपने ही निश्चितता में घिरे रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दे लूज देयर फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है आज़ादी, और वो
अपनी आजादी खो चुके होते हैं और अपने ही दास बन चुके होते हैं, अपनी गुलाम बनकर रह जाते हैं। बाय अ रिस्क टेकिंग मैन फ्रीडम कैन बी इंजॉयड। असली व्यक्ति वही अपने जीवन को इंजॉय कर पाता है या अपनी आजादी को जी पाता है जिसने अपने जीवन में रिस्क उठाने का संकल्प लिया हो, या फिर जो व्यक्ति रिस्क उठाने में सक्षम होता है। असलियत में वही एक स्वतंत्रता भरा जीवन जी पाता है। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन जो है कंप्लीट होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमारी फर्स्ट पोयम जो रिस्क है वो कंप्लीट होती है। शुरू से हम एक बार उसका रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पोयम के बारे में जानकारी ली। पोयम जोखिमों से भरी है, जो हमने समझा। उसमें हमने पॉइंट के बारे में जानकारी ली, पोयम की सेंट्रल आइडिया के बारे में जानकारी ली, पूरी पोयम की एक्सप्लेनेशन हमने हिंदी में उसको समझा। क्वेश्चन आंसर हमने छोटे भी किए, क्वेश्चन आंसर हमने लॉन्ग भी देखे। उसके अलावा हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी इसमें कवर किए। इसके अलावा बच्चों, अगर कुछ ऐसा रह जाता है जो आपको समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको ये पोयम कैसी लगी, आपको समझ आई या नहीं आई। जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू।